नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहल शाह, फिजियोथेरापिस्ट, सनशाइन ग्लोबल कोविड केयर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जब देश और दुनिया कोविड के सामने एक युद्ध खेल रही है, वहां एक तरफ जहां कोविड के कारण लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जो कोविड में से रिकवर होकर बाहर आ रहे हैं उन लोगों में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। वो महीनों तक उनको आराम से जीने नहीं देती है, थकान है या ब्रेथलेसनेस जो सांस फूलने की तकलीफें है और जो कमजोरी है, ये सब चीज़ें ऐसी है जो महीनों तक कोरोना ने अपने कैद में जकड़ के रखा है। तो आज हम ये वीडियो आपको प्रदर्शित कर रहे हैं इसलिए कि ये कॉम्प्लिकेशन में से कैसे बाहर निकलना जा सके। तो मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी बताऊंगा जो आप करेंगे तो आपको फायदा होगा और जो लोग कोविड से सफर हैं उनको तो ये बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। एक्सरसाइज है ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करेंगे। हाथ को छाती और पेट के बीच में रखें, लंबी सांस खींचेंगे नाक से और जब निकालनी हो तब मुंह से फूंक लगा के बाहर निकालेंगे। फिर से वो करेंगे, फूंक लगा के बाहर निकालेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है सेगमेंटल ब्रीदिंग। अलग अलग लेवल पे पट्टा लगा के उसको डीप ब्रीदिंग करवाना है नाक से और फूंक लगा के बाहर लेना है। ऐसा थोड़ा नीचे से करके सांस लेना है और फूंक लगा के बाहर लेना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो फिजिकल एक्टिविटीज। काफी लोग फिजिकली काफी कमजोरी महसूस करते हैं तो उनके लिए ये एक्सरसाइज करनी है। कुर्सी में से खड़े हुए बैठ गए, फिर एक जगह पे खड़े रह के मार्चिंग किया, पैर को ऊपर नीचे किया। तीसरा होता है थोरेसिक मोबिलिटी, उसके लिए आपको दोनों हाथ ऊपर खींचने हैं, साथ में सांस को अंदर खींचना है। जब हाथ ऊपर जाए तो सांस को अंदर खींचो, जब नीचे आए तब आपको छोड़ देना है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर लंग की बेस्ट एक्सरसाइज है। जब भी वो आदमी अंदर खींचता है, तीन बॉल अपने चैम्बर में खड़े होते हैं, इससे लंग्स इन्फ्लेट होता है और उससे काफ़ी अच्छे ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स को मिल जाती है। तो इसको जितना हो सके उतना जोर से खींचने की कोशिश करें। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो फोर्स्ड एक्सपीरेशन है, हवा को बाहर फेंकने के लिए। इनिशियली हमने अंदर लिया था हवा को, अभी बाहर फेंकना है। उसके लिए एक बड़ा सा बलून यूज कर सकते हो और बलून को इन्फ्लेट कर सकते हो या फिर यही स्पायरोमीटर को आप उल्टा करके आप बोल सकते हो कि उसको बाहर हवा फूंकना है और वो बॉल ऊपर होगा जब आप उल्टा करके करेंगे। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि वो डिफरेंट पोजिशन लेते हैं, उसमें उनका रेस्पिरेशन इम्प्रूव होता है। तो एक पोजिशन ये होती है जो सीधा लेट के सांस लेने का, लंबा लंबा सांस अंदर और बाहर। फिर दूसरा होता है साइड में, एक साइड में लेट के पैर को थोड़ा मुड़ के लंबी सांस खींचना है और बाहर निकालना है। कई लोगों को देखा गया है कि उल्टा लेट के भी काफी अच्छा रेस्पिरेशन हो जाता है, तो उन केसों में उल्टा लेट के उनको लंबी सांस खींचने के लिए बोलना है और निकाल देना है। ये तीन पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी पोजीशंस पे पेशेंट्स को अच्छा लगे वो पोजीशन उनको देनी चाहिए। कई पेशेंट में देखा गया है कि फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, उस केस में आपको एक इफेक्टिव कफिंग टेक्निक सीखनी चाहिए। उसमें आप पेशेंट को बोलिए कि लंबा सांस खींचे और जब आपको बाहर फेंकना है तो खांसी करने के साथ फेंकिए, फिर से सांस लीजिए, खांसी करते हैं। इस तरीके से काफी अच्छी तरह से बलगम बाहर आ सकता है। ये जो सभी एक्सरसाइज आपको बताई गई है वो आप दिन में 3 बार और एक एक्सरसाइज को 5-5 बार रिपीट करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग कोविड से सफर होकर बाहर निकले हैं, अगर वो एक्सरसाइज प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल्स के ग्रुप के और परिवार की तरफ से मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएँ करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।